निकाय चुनाव के अंतर्गत वृंदावन के वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार गौतम उर्फ राजा भैया का प्रचार लगातार जोरों पर दिखाई दे रहा है। सोमवार को किशोरपुरा स्थित भट्टर भवन के समीप कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया एवं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार गौतम उर्फ राजा भैया ने जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगे। राजा भैया ने बताया कि पहली बार जनता के बीच आया हूं, हर समस्या का समाधान करूंगा, जनता मुझे वोट के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मैं मनोहर से कांग्रेस प्रत्याशी हूं। मेरी सबसे ज्यादा समाज के लिए एक हमारे यहाँ डलाव घर बना हुआ है, मलिन बस्तियों में हमारी ज्यादातर वार्ड में मलिन बस्तियां बहुत है, वहाँ डलाव घर है, इससे बीमारियां फैलती हैं। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा और जो पार्षद आते हैं वो सड़क पानी बिजली तो बना देंगे, पर जो भी कमी है उनको मैं पूरी करूंगा और उनको सरकारी योजना जो आती है उनका लाभ उनको दिलवाऊंगा अपने जनता को। जी, आपके कार्यालय का आज उद्घाटन भी किया गया, कौन कौन मौजूद रहे थे? आज मेरा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया जी, तुलसी स्वामी जी, श्याम कुमार निर्मल जी, हमारे अध्यक्ष वृंदावन के नूतन बिहारी पारिक जी, अशोक जी, हमारे प्रभारी अजय कुमार गौतम जी और हमारे साथीगढ़ शिष्यकाम के एडवोकेट सोनू पहलवान जी, किंचू भाई, हमारे बहुत आदमी हमारे कार्यकर्ता मौजूद रहे वार्ड के। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, इस बार मुझे मौका दें, पहली बार मैं सबके साथ आया हूँ, बहुत पार्षदों में सभासद देख लिए, कोई काम नहीं हुए, आज 40 साल से मैं समाज सेवा में, आज मैं पहली बार उनसे कुछ मांगने आया हूँ, अगर मुझे भेजेंगे तो उनके हर सपनों को मैं पूरा करने की पूर्ण कोशिश करूंगा।